एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं मीशो साड़ी हॉल। एक्चुअली मैं साड़ी ज़्यादा वेयर करती नहीं, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत साड़ी मंगवाई थी फॉर द क्वालिटी चेक कि वो कैसी आती हैं और कैसी क्वालिटी जो मीशो है वो सेल करता है अपने प्लेटफॉर्म पे। तो उसके साथ मैंने कुछ दो सेट भी मंगवाए हैं, मैं आपके साथ लाइक वो भी शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे अपना हॉल स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया। तो जो मेरी फर्स्ट आइटम है वो है ये सेट। मैंने इसको अच्छे से कॉटन के लाइक पूरा का पूरा बैच करके उसके ऊपर रखा है क्योंकि इसमें स्टोन्स है, ये टूट ना जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, साइड में आपको इसकी पिक मिल जाएगी कि जितना खूबसूरत ये दिख रहा था उतना ही खूबसूरत मुझे ये रिसीव हुआ है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि ये कुछ ऐसा है, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। नीचे इसके मोती लगे हुए हैं, बेसिकली मोती नग और रेड कलर के स्टोन्स का कॉम्बिनेशन है। यूजली जो रेड है वो हर किसी के साथ चला जाता है, इसलिए मैंने एक रेड में मंगवाया था। इसके साथ साथ जो मुझे इयररिंग्स रिसीव हुए हैं वो कुछ ऐसे हैं, जो लाइक सेट पर काम है वैसे ही इन पर भी काम है। तो ये मुझे इयररिंग रिसीव हुए हैं, ये दो इयररिंग्स बिल्कुल लाइक बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और इसके साथ जो मुझे रिसीव हुआ है वो है ये मांग टिक्का। जैसे आपको इयररिंग्स पे वर्क दिख रहा था वैसे ही आपको मांग टिक्का पे भी दिखाई देगा कि ऐसा ही वर्क है जैसा इयररिंग्स पे था। तो ये इस प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है, आपको प्राइस सारे नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अगला जो है, अगला भी मैंने इस बॉक्स में पैक कर रखा है, ये मेरा बैंगल का बॉक्स था। इसके साथ कोई बॉक्स नहीं आया था, ये खुद ही मुझे एक पॉलीथीन में रिसीव हुआ था। और ये कुछ पेंडेंट सेट टाइप है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, मुझे पिंक कलर एक्चुअली चाहिए था एक आउटफिट के साथ। तो ये इसके नेक का है, ये पेंडेंट में जाएगा। इसकी चैन बहुत छोटी है, लाइक अगर थोड़े आप हेल्थी हो तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये प्रॉपर आएगा। फिर भी मैं आपको लिंक दे देती हूँ इसका कि प्राइस शायद इसका 140 या 170 के अराउंड बीच में ही था। इयररिंग्स रिसीव हुए हैं मुझे, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, सेम वैसे ही हैं जैसे उसका पेंडेंट है, उसके साथ बिल्कुल मैचिंग इयररिंग्स हैं। और साथ में इतने प्राइस के अंदर ही मुझे मांग टिक्का भी रिसीव हुआ है जो बिल्कुल ही सेम है जैसे लाइक इयररिंग्स में और पेंडेंट में डिज़ाइन था, टिट्टू वैसा ही है। और ये बहुत प्यारा है, आप देख सकते हो पास से। इस प्राइस में ये क्वालिटी तो ठीक है, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं कह सकती, बट अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखूँ तो हाँ ये अच्छा लगा मुझे। चलिए मैं अपना हॉल स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी सबसे सस्ती साड़ी जो मुझे मिली वो ये मंगवाई है, ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। लाइक इसके ऑल ओवर बॉर्डर में आपको ऐसा डिज़ाइन मिलेगा, ये मैं आपके सामने खोलने लगी हूँ। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ती भी मिली है। तो ये कुछ ऐसी है, पूरी साड़ी में आपको सेम प्रिंट मिल जाता है, ये नीचे की तरफ आपको कुछ ऐसा मिलता है और ऊपर भी आपके ऑल ओवर आपको लेस मिलेगी जहाँ से आपकी प्लेटें स्टार्ट होंगी। और ये पूरा प्रिंट है, इसमें कहीं भी वर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट ये प्रिंट है। और प्रिंट भी बहुत ज़्यादा प्यारा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसके साथ जो ब्लाउज रिसीव हुआ है वो कुछ ऐसा रिसीव हुआ है, मतलब थोड़ा मतलब अलग सा लगा मुझे ब्लाउज, पर ठीक है। अगर आप लाइक डे टू डे वेयर में साड़ीज पहनते हो तो आपके पास ऑलरेडी ब्लू कलर का, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का ब्लाउज होगा, तो आपके साथ इसके साथ आप वेयर कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो अगर आप वेयर करोगे तो ये साड़ी की बहुत अच्छी लुक आएगी, आप डे टू डे में इसको लाइक अगर चाहो तो ले सकते हो। इस अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी है, जॉर्जेट की साड़ी है। और ठीक है, अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो साड़ी ठीक है, अगर आप रोज़ पहनते हो उस अकॉर्डिंग तो आप इजीली इसको बाय कर सकते हो। अगली साड़ी पे आ जाते हैं, अगली साड़ी है मेरी बांधनी की साड़ी। हमारे में एक्चुअली बांधनी की साड़ी बहुत ज़्यादा पहनते हैं, उनकी साड़ी एक्चुअली हिंदुओं में बहुत ज़्यादा वेयर की जाती है। तो ये मैंने कुछ रेड कलर की साड़ी मंगवाई है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पैक होकर आई है, आप देख सकते हो। अंदर पेपर अखबार वगैरह जो होती है वो भी लगाया थोड़ी फफफे लुक देने के लिए। प्योर जॉर्जेट की साड़ी है, इसको भी एक बार खोल के देखते हैं कि इसमें भी कहीं ना कहीं वर्क है कि नहीं। वर्क तो वैसे नहीं होगा क्योंकि जिस प्राइस में मुझे मिली है डोंट थिंक सो वर्क ये देंगे। नहीं गाइस, इसमें है हल्के हल्के, आप देख सकते हो इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ फ्लावर है वहाँ पे स्टोन है। और ये साड़ी पूरी ऐसी है,
और इसका ब्लाउज जो मुझे मिला है, वेट ये क्या है? सीरियसली गाइस, ये मैंने तो नहीं ऑर्डर की थी, तो कुछ अलग ही है। मतलब हाफ एंड हाफ साड़ी रिसीव हुई है मुझे। वेट, इसका ब्लाउज भी देख लेते हैं। ओके, सो ब्लाउज इसका ये प्लेन रेड है, कोई वर्क नहीं है ब्लाउज पे, कुछ नहीं है। साड़ी भी हाफ एंड हाफ है, तो अगर हाफ एंड हाफ साड़ी पहनते हो तो आप ये ले सकते हो। गोल्डन के साथ है, और जैसा बॉर्डर पे था वैसे ही इसने लाइक फ्लेयर्स जो हमारी जाती है साड़ी की उस पर दे रखा है, प्लेटों पे ऐसा आएगा। तो ये कुछ ऐसी थी। इसके बारे में मैं क्या रिव्यू करूँ, मैंने जब मैंने ऑर्डर भी नहीं करी, तो लाइक अब तो उसका टाइम भी निकल गया होगा रिटर्न करने का। गाइस अगली साड़ी पे बढ़ते हैं। अगली साड़ी कुछ ऐसी है, मजंटा कलर की। जितना प्यारा ये कलर है उतना ज़्यादा प्यारा मतलब इसकी लुक आएगी पहनने के बाद। तो इसको ओपन करते हैं। कुछ साड़ी तो मैंने पहले मंगवा कर अच्छी ब्लाउज भी सिलवा लिए थे ताकि मैं वेयर करके दिखाऊँ, बट ब्लाउज मुझे टाइट हो गए हैं, सो वो मेरे आए नहीं हैं। आपको मैं दिखाती हूँ ये साड़ी ओपन करके। तो ये साड़ी कुछ ऐसे है। इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे इतना प्यारी लेस लगी है, आप तो दिख रही होगी, बहुत ज्यादा प्यारी लेस लगा रखी है। लाइक इसके साथ छोटा सा नेकलेस पहन रखा हो और तबाही मच जाएगी, तबाही। बहुत ज्यादा प्यारा है। और इसका ये ब्लाउज है, ब्लाउज के लिए आपको इतनी सी लेस की बन है, और अगर आप चाहो तो अपने हाथों पे ये लेस लगवा सकते हो, फुल बाजू रखवा कर या हाफ स्लीव्स रखवा के, उसमें बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। ऑल ओवर ये साड़ी ऐसे है, बिल्कुल प्लेन है, बस एक बॉर्डर बॉर्डर है। चेक की साड़ी है, उसमें भी आपको येलो येलो चेक थोड़े थोड़ी जगह पे दिख रहे होंगे, तो ये इस अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी है। और प्राइस भी इसका कम था, आई थिंक 340 या 360 रुपीज़ था। अगेन प्राइस मैं मेंशन कर दूंगी। ये सारे आपको जो आपकी फ्लेयर्स जाती हैं, प्लेटें जाती हैं, उस पर आपको ये दिखाई देगा। और साड़ी में कहीं भी डिफेक्ट नहीं है, लाइक मैं आपके सामने सब ओपन करके देख रही हूँ, तो मुझे तो कहीं भी डिफेक्ट नहीं दिख रहा। तो आप चाहो तो इस बायर से बाय कर सकते हो, मेरी तरफ से थम्स अप है। तो जो हमारी फोर्थ साड़ी है वो है एक नेक की साड़ी। ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही थी, और लाइक प्राइस भी इसका बहुत कम दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करती हूँ। और ये आने के बाद में मुझे सुंदर लगी। तो वो साड़ी से पहले हम ब्लाउज की बात कर लेते हैं। तो ब्लाउज इसका मैंने सिलवा लिया है, ब्लाउज कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लाउज आपको सिर्फ नेट का कपड़ा मिलेगा, जैसे आपको साड़ी पे वर्क है वैसे ही ब्लाउज पे वर्क था। आगे पीछे पूरी नेट मिली थी मुझे, मुझे जस्ट अस्तर लगवानी पड़ी इसके लिए, और मेरा ब्लाउज रेडी हो गया। तो ये तो ब्लाउज था। अब आप साड़ी देखोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे इतने प्राइस पे इतनी प्यारी साड़ी मिल सकती है। तो ये साड़ी ऐसे है, लाइक आप देख सकते हो पूरे ऑल ओवर नेट पर इतनी प्यारी साड़ी। ये नीचे का मैं आपको सारा दिखा रही हूँ प्लेट्स का, और ये पूरी साड़ी पर ऐसे नेट का काम है, हल्के हल्के इसमें मोती भी लगे हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पे स्टोन्स भी लगे हैं, और यहाँ से थोड़ा से प्लेन है। तो ये साड़ी पूरी ही वर्क में है, और मतलब प्राइस तो हद से ज़्यादा कम था इसका। अगर ये अवेलेबल है अभी गाइस तो आप जल्द से जल्द ले लो, आके बंद करके ले लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी है। आपको ऊपर से तो थोड़ा प्लेन ही दिखेगा, क्योंकि ऊपर से प्लेट्स बन जाएंगी तो प्लेन ही दिखता है, बट जो नीचे है, नीचे का आप देख सकते हो पूरा काम है। और ये लगाई हुई भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। थोड़ा नेट, थोड़ी मोटी नेट है, मतलब थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना प्राइस के अकॉर्डिंग तो नेट अच्छी है, बट वैसे नेट थोड़ी सी टाइट में है। तो अगर आप साड़ी रेगुलर वेयर करते हो या कभी किसी एक फंक्शन में वेयर करने के लिए चाहिए तो आप ये ले सकते हो, उस अकॉर्डिंग तो अच्छी है। अगली साड़ी है हमारी ये, और आई एम डैम श्योर कि आपको ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि ये मुझे भी पहली नज़र में बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी। ये ग्रे कलर की साड़ी है, साथ में पिंक कलर का लाइक पीच कलर का ब्लाउज है इसका, थोड़ा पीच और बेबी पिंक लुक आ रही है इसकी। तो ये ब्लाउज का कपड़ा मुझे एकदम प्लेन मिला था, और हाथ के लिए मुझे ऐसी बॉर्डर मिला था जो मैंने लगवाया, तो मेरा ब्लाउज सिलने के बाद कुछ ऐसी लुक दे रहा है। अब मैं बात करती हूँ साड़ी की, तो जो मेरी साड़ी है वो प्योर जॉर्जेट में है। मैं इसके पल्ले से बात करती हूँ, तो पल्ला कुछ ऐसा है, लाइक आपको दिख रहा होगा कितना प्यारा वर्क है इस पे,
पूरी साड़ी पे बॉर्डर तो गिवन है ही, उसके साथ साथ ऐसा वर्क भी कर रखा है। तो आप देख सकते हो बीच में तो आपको थ्रेड का वर्क मिल जाएगा, उस पे स्टोन्स लगे मिल जाएंगे, बट पूरी साड़ी में नीचे की तरफ ऐसे आपको पूरा का पूरा पिंक और ग्रीन और ग्रे का कॉम्बिनेशन मिलेगा। और ये पूरी फ्लेयर्स में आपके आएगा, लाइक प्लेट्स में आपके पूरे के पूरे ये बॉर्डर दिखेगा, पूरी साड़ी में सेम बॉर्डर है लास्ट तक। और साड़ी की जो लेंथ है वो भी अच्छी खासी है, साड़ी कहीं से भी छोटी नहीं है, प्योर जॉर्जेट की साड़ी है। ऊपर से आपका प्लेन ही है, क्योंकि ऊपर से तो मतलब प्लेट्स आ जाएंगी तो प्लेन ही सही लगता है, लेकिन नीचे से पूरी की पूरी बॉर्डर में साड़ी है, तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। और यहाँ पे भी स्टोन्स लगे हैं, आप देख लो, अब यहाँ पे भी आपको स्टोन्स मिलेंगे, ये नहीं है कि आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी जगह मिल रहे हैं, आपको पूरे इस पर स्टोन मिल रहे हैं, इस पर स्टोन मिल रहे हैं। तो ये पार्टी वेयर साड़ी है, डे टू डे के लिए तो नहीं, थोड़ी हैवी में आती है, तो आप इसको पार्टी में इजली वेयर क्या आप कह सकते हो, लाइक स्टार ऑफ द साड़ी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। आप देखो ये बेबी पिंक कलर की साड़ी है, पहले तो मैंने जब ये साड़ी मंगवाई तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बट आफ्टर दैट जब मैंने इसका ब्लाउज स्टिच करवाया उसके बाद क्या इसकी लुक आई है। ये नेट मुझे गिवन थी, ये मैंने अपना खुद लगवाया, ये नहीं था, ये मुझे पीछे की लैसा नेट गिवन था, तो मैंने इसके आगे पीछे ना करवा के सिर्फ पीछे पीछे लगवाया है। और जैसा लाइक साड़ी में वर्क है सेम वैसे ही वर्क है, तो ये आपका ब्लाउज अगर आप सिलवाते हैं तो कुछ ऐसे लुक देगा, आपको हाथ के लिए कुछ नहीं मिलेगा, आपको हाथ के लिए आपको खुद लगवाना पड़ेगा। तो साड़ी की बात कर लेते हैं, साड़ी जो है पूरी नेट की साड़ी है और बहुत ही ज़्यादा हैवी साड़ी है, लाइक बहुत ही ज़्यादा हैवी साड़ी है, और नेट भी इतनी सॉफ्ट है इसकी, हद से ज़्यादा सॉफ्ट है, आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी है, अल्टीमेट लगेगी पहनने के बाद। तो अब मैं इसके पास से दिखाती हूँ, ये कट वर्क में पूरे मोती वाली साड़ी है, और बीच बीच में आप बीच में क्या आपको तो पूरा थ्रेड का वर्क मिलेगा, बस बीच में आपको ऐसे गोल्डन के साथ दिखेगा ताकि इसका थोड़ा कॉम्बिनेशन सेट बैठे। तो ये पूरी साड़ी में ऐसे है पल्ले में, आफ्टर दैट जहाँ से आपकी प्लेट स्टार्ट होती है, लाइक आपकी प्लेटें स्टार्ट होगी वहाँ से आपको नीचे से मिलेगी, तो नीचे से आपको ऐसे ही हैवी मिलेगा। और ये कहीं से ऑर्गेन्जा नहीं है कि मोटा आपको चुभ रहा होगा या फिर ऐसा मोटा कपड़ा होगा, मोटी नेट होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको ऑर्गेन्जा का कपड़ा नहीं, एक सॉफ्ट नेट में मिल रहा है, तो आप इजीली इसको वेयर कर पाएंगे और बिल्कुल लास्ट तक लगी हुई है। तो अगर आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो, ये भी अभी अवेलेबल है। तो गाइज ये थी मेरी साड़ी का हॉल, अगर आपको मेरा हॉल अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कोर्स से रिलेटेड इशू आता है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोई ऐसी चीज़ें जिसका रिव्यू आप मुझसे जानना चाहते हो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मुझसे कोर्स शेयर कर सकते हो। आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।